आखिरकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। कार्रवाई आईनो कानून के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा तमाम जजेस की मुत्तफिका राय, अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हाई कोर्ट में ट्रायल जियाउल हक के दौर में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती। ट्रायल आईन के मुताबिक नहीं था। बिलावल भुट्टो, सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते वक्त आप दीदा हो गए। फैसले से निजाम सही सिमत में चलना शुरू हो जाएगा। जमहूरी और अदालती निजाम तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अदालत ने माना जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। वज़ीर आज़म की बिलावल और आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का कहना था, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। एतराफ़ से तारीख रकम हुई। गलतियों की दुरुस्तगी, तलखियों के खात्मे से ही तरक्की का अमल तेज हो सकता है। मखसूस नशस्तों पर अरकान की हल्फ बरदारी रोक दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। मखसूस नशस्तों पर अरकान से हल्फ न ले, अदालत के रिमार्क्स। केस की आज समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। सिपा सालार ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपोजिशन को खुली वार्निंग। अपोजिशन ने अमन खराब किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन इस वक्त आलम सोग में है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन की तनकीद की कोई परवाह नहीं। रमजान पैकेज से सूबे में 3.25 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे।